श्री रामचंद्र जी ने भी 14 साल का बनवास कट्टिया सी, पर कच्चे दे आप की जी एस एस टी आर 14 साल का बनवास कट के अज राहत महसूस कर रहे हैं। मान साहब ने जिहड़ा दरी ते आके वादा किया सी, नीयत साफ होण करके उन्होंने इंपोसीबल नूं पोसीबल कर दिखाया। घरें खिजना, लड़ाइया होनिया, गरीबी कारण कारण गरीबी, जदों मानसिक तौर पर परेशान होना, घरें कोई चीज़ पूरी ना होनी, तो जाहिर है भी आपां किवें ना किवें घरें कलेश होणगे। भगवंत मान साहब ने भी किया पिछड़िया तो नहीं मंग रहे घट्टो घट अगे तो ही, पर कि ना कि लॉस होने के बावजूद अज तसली है, थोड़ा जहा भरोसा है कि थोड़ा जी राहत हैगी है। एक बंदे 3500 मिलना, वो घर 15000 आने लग जाना, एक 6000 मिलना, 18000 आने लग जाना, राहत तो बहुत वड्डी मिली है। इतिहास जिहड़ा रच गया, जिहड़ा हुण तो एक मिनट पहला लंघ गया, वो एक इतिहास रच गया, इतिहास नू रबड़ नहीं फेरिया जा सकता। साडा इतिहास संघर्षां दा मिट नहीं सकता, साडे मनां विच इहो जी चीज़ सुटदी आ, अज वी जदों याद करदे आ भी असी किवें वो दिन कट्टे, गड़े मीह नेरी, असी कुछ नहीं वेख्या। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। अज कच्चे अध्यापक जिहड़े ने वो काफ़ी लंबे समय तो जो संघर्ष कर रहे थे पिछलियां सरकारां दे विच, अज आम आदमी पार्टी की सरकार जिहड़ी मान सरकार आई है उन्होंने उन्होंने पक्का किया है। 1250 जिहड़े सॉरी 12,500 के करीब जिहड़े पोस्टर जरूर लग्या होया, पर 12,710 अध्यापक जिहड़े ने वो अज पक्के किए गए हैं और उन्होंने अज अपॉइंटमेंट लैटर जिते दी गई है। चंडीगढ़ टैगोर थिएटर के गलबात करते हैं साडे नाल गगन ने अबोर तो। गगन जी, जिहड़े तुहानू अज अपने अपॉइंटमेंट लैटर दिए गए, असीं तां तुहानू संघर्षां च देखिया बड़े सालों तो देखते आ रहे हैं, खिच धूप पुलिस के नाल होंदे हुए और धरने मुजहरे मारते हुए बहुत ज़्यादा देखिया असीं तुहानू, किन्ने वारी साडी तुहाडी गलबात भी हुई है और बड़ियां डिफरेंट हालातों च तुहानू देखिया, अज पहली बार इन्ना सज्जत अजे तो खुश देख रहे हैं। हाँ जी मैम, अज असीं बहुत खुश हाँ, 20 सालों का संताप जिहड़ा अज असीं कटवाया, मान साहब ने साडा, श्री रामचंद्र जी ने भी 14 साल का बनवास कट्टिया सी, पर कच्चे दे आप की जी एस एस टी आर 14 साल का बनवास कट के अज राहत महसूस कर रहे हैं, इसलिए अज असी बहुत खुश हाँ। साडी सारी कच्चे अध्यापकों की फैमिली, उन्होंने परिवार, अगो रिलेशन, रिश्तेदार, पूरा पंजाब, इंडिया, इतों तक इंटरनेशनल लेवल पर अज जी गल हाईलाइट हुई है, अज जी राहत मिली है, सारे इसलिए मान साहब नूं वधाई दे रहे हैं, क्योंकि जदों असी धरने लाउंदे सीगे उदों इंटरनेशनल लेवल तक साडा संघर्ष जांदा सी, कुछ गतिविधियां ही इदां दीआं हो जांदीआं सी किवें जिवें बच्ची साडी रूथ शहीद हो गई, साडी किरणजीत टैंकी तों अग ला के शहीद हो गई, साडे समरजीत वीर ने मानसा वाले ने अग ला ली अपने आप नूं, तां इहो जिहियां ट्रैजडियां जिहड़ियां साडे नाल हुंदीआं रहीआं, तो अज जिहड़ी राहत है सानूं वड्डे लेवल ते मिली है, बिना धरना बिना संघर्ष मान साहब ने जिहड़ा दरी ते आके वादा किया सी, नीयत साफ होण करके उन्होंने इंपोसीबल नूं पोसीबल कर दिखाया जी। भगवंत मान CM अज जदों भाषण दे रहे सी तुहानूं अपॉइंटमेंट लैटर्स तो पहले जिहड़ा ईवेंट फंक्शन रख्या गया उन्होंने स्पैशल किया है कि हुण तुहाडे तों उम्मीद करदे हां कि तुसीं जिहड़ा ज़्यादा मेहनत करोगे, तो जिहड़ी मेहनत या अपनी एनर्जी तुसीं धरने मुजाहरियां च ला रहे सी और उस दे नाल नाल जिहड़ा तुसीं व्यौंतबंदी करदे सीगे हमेशा कि ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛਾਣੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ, ਘਰੇ ਖਿੱਜਣਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੇੜੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
पर असी हुण जिहड़ी मेहनत वालों कोई कसर नहीं छड्डांगे। जिहड़ी विश्वास शब्द की गल मुख्यमंत्री साहब जी ने अंदर की है वह विश्वास जिहड़ा उन्होंने साढ़े ते कीता असी उन्हां ते कीता सी उह विश्वास ते खरे उतरे है। अज उन्होंने जिहड़ा साढ़े ते विश्वास कीता असी उहदे ते भी पूरा खरा उतरांगे ते असी पूरी कोशिश करांगे भी पंजाब दी एजुकेशन नू सरकारी प्राइमरी स्कूलों नू अगे तो अगे लैके जाइए। गगन देखो वसीम साहब ने कहा जिस तरह के सरकारी स्कूलों का जिहड़ा म्यार है चुकना बहुत जरूरी है और सब तो पहली गल है उन्हों ही यह सरकार जिहड़ी है वह स्ट्रोंग करन दी कोशिश कर रही है, पर उसके नाल नाल जितों तक देखा जाए सरकारी स्कूलों के टीचरों नू जिस तरीके दे नाल पिछलिया सरकारी या पिछले समय दे विच जिस तरीके दे नाल सड़कां ते कपड़े भी पड़वाने पे बैरीकेडा दे चढ़ते देखा और जख्मी होंदे देखा और जिवें तुसीं दस्सिया कुछ जिहड़े ने उस च शहीद भी होए ने और एक छोटी बच्ची भी जिस तरीके किस तरह देख रहे हो चीज़ा जो मलाल है वो तुहाडे लोगों के दिल चो चले जाएगा हुण क्योंकि बहुत समा बीत गया उस चीज़ नूं और जे कोई प्रॉपर तरीके दे नाल टीचर लग्या हुंदा तो उन्हूं पिछलियां भी सारिया तनखाहां सारे बेनीफिट्स मिलते जिदा कि जिक्र भगवंत मान साहब ने भी किया पिछलियां तो नहीं मंग रहे घट्टो घट अगे तो ही पर कितें ना कितें लॉस होने के बावजूद अज तसली है थोड़ा जिहा भरोसा है कि थोड़ा जिहा राहत हैगी है। मैम तसली राहत थोड़ी जी नहीं बहुत ज़्यादा है। एक बंदे 3500 मिलना वो 15000 आन लग जाना, एक 6000 मिलना 18000 आन लग जाना, राहत तो बहुत वड्डी मिली है। भरोसा जिहड़ा वो सानू मान साहब ते बहुत है, सानू उम्मीद है भी 18000 तो भी जिहड़ा वादा करके गए स्टेज दे उत्तों भी अगले साल तक असी उम्मीद करते हैं बिना धरने बिना संघर्ष के साडी झोली जी है होर भी रेगूलर वाली सारिया फैसिलिटी सानू जल्दी देन ते उन्हां दे बराबर दी सानू तनखाह करन। जिहड़ी गल है इतिहास की, मैडम इतिहास के उत्ते रबड़ नहीं फिरदा कदे भी, इतिहास जिहड़ा रच गया जिहड़ा हुण तो एक मिनट पहला लंघ गया वो एक इतिहास रच गया, इतिहास नू रबड़ नहीं फेरिया जा सकता। साडा इतिहास संघर्षां दा मिट नहीं सकता, साडे मनां विच इहो जी चीज़ सुटदी अज भी जदों याद करदे आ भी असी किवें वो दिन कट्टे गड़े मीह नेरी असी कुछ नहीं वेख्या, जेलां कट्टियां लाशां डेड बॉडियां बच्चियां दियां असी चार चार दिन रोलियां, असी आपदे भैन दी किरणजीत दी डेड बॉडी उत्तों अग लाउंदी नूं आपदियां अखां नाल नज़ारे मतलब इहो जे दुखदाई सीन असी वेखे वह मिट नहीं सकते। राह जरूर मिली है पर एक कसक दिल च जरूर है भी असी इन्ना वड्डा इतिहास लड़िया इतिहास रचिया, जे किते इहो जिहियां सरकारां पहलां इहो जिहा नीत रख लैंदियां तां शायद साडियां जानां ना जांदियां ते अज कच्चे अध्यापक 20 सालां तो सुख की जिंदगी जिउंदे हुंदे। तुसीं कहा कि हुण कच्चे शब्द जिहड़ा मैं पहली आखिरी वार वरत रही हां ते अज तो जिहड़ा हैगा पक्के शब्द साडे नाल लग गए, पर उसदे नाल नाल इक भरोसा दवाया जिहड़े पहले तो पक्के अध्यापक ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਓ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਪੱਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਉਹ ਥੈਂਕਫੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ EGSAI STR ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ 100-150 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ 12-14 ਬੈਚ 157 ਸਾਥੀ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 300 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਘੱਟ ਹੈ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗਗਨ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਸਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ
कच्चे अध्यापकों के तौर पर अध्यापक ना हो के एक लड़ाई लड़नी पई, एक योद्धा तरह लड़ाई लड़नी पई, एक संघर्षी जिंदगी जी है वह जीनी पई। पर उन्होंने कहा कि अज सू बहुत वो राहत हैगी, बहुत व्डा भरोसा दिता है मान सरकार ने, और जोड़े बच गए ने उन्होंने 200-300 लोग उन्होंने भी बहुत जल्दी जोड़े है उन्होंने हाथों से एवें पक्के अध्यापक होने के अपॉइंटमेंट लैटर छेती हो गए। कैमरा परसन सरबजीत बिंदु सिंह चंडीगढ़, तुम देखते रहो D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी से होगी भख के मुद्दों की गल, सियासी पार्टियां करांगे सवाल ताकि लोग मसले होण हल। D5 चैनल पंजाबी ते पंजाब डिबेट सोमवार तो शुक्रवार तक शामी 6 बजे तो 7 बजे तक वेखना ना भुलना पंजाब डिबेट। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोग। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा, तो तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।